Animals are very important to study. Kudrat bahut kuch sikhati hai. Lion is the king of the animal kingdom. Lion is the king of animal kingdom. A lion is not the tallest animal in the jungle. A lion is not the tallest animal in the jungle. A lion is not the heaviest animal in the jungle. A lion is not the smartest animal in the jungle. ना सबसे ऊंचा होता है, ना सबसे भारी होता है, ना सबसे ताकतवर होता है, और ना ही सबसे इंटेलिजेंट होता है. Still, lion is the king. Still, lion is the king. इसका मतलब बड़ा सिंपल है. डिटेल में समझाता हूं. आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए ना तो स्मार्ट होना जरूरी है, ना इंटेलिजेंट होना जरूरी है, ना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ना बहुत क्लेवर होना जरूरी है, ना बहुत बुद्धिमान होना जरूरी है. क्योंकि लॉयन के पास ये एक्टिविटीज नहीं है. स्टिल ही इज द लॉयन इज नॉट टॉल एज जिराफ, नॉट हैवीएस्ट देन अ एलिफेंट, नॉट क्लेवर देन अ फॉक्स. स्टिल ही रूल्स द जंगल. और समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है. क्योंकि लायन हैज एटीट्यूड. लायन हैज एटीट्यूड. इसका एटीट्यूड बड़ा शानदार है. समझाता हूं, समझिए. देखो, अ लायन इज द किंग ऑफ द जंगल बिकॉज ऑफ इट्स एटीट्यूड. The lion has a different attitude that makes every animal afraid of him. इसका attitude ऐसा है कि सारे के सारे जानवर इससे डरते हैं. डरने का मेरा मतलब है उसका regard करते हैं एक तरीके से, है ना? Giraffe regard the lion, elephant regard the lion, hippopotamus regard the lion, rhino regard the lion, fox regard the lion, monkeys regard the lion. What makes this massive animal respect such a small cat? देखने में तो छोटी सी बिल्ली ही तो है. क्यों ऐसा होता है कि लॉयन का सब रिगार्ड करते हैं या डरते हैं दूसरी भाषा में? इट बिकॉज ऑफ इट्स द एटीट्यूड इज डिफरेंट बाय डिफरेंस. जैसे ही लॉयन ने एलिफेंट को देखा, समझिए, जैसे ही लॉयन ने एलिफेंट को देखा, उसके दिमाग में एक चीज आई, लंच. जैसे ही लॉयन ने एलिफेंट को देखा, उसके दिमाग में एक चीज आई, लंच. जबकि लॉयन से एलिफेंट 10 गुना एटलीस्ट भारी है. लॉयन से एलिफेंट 5 टाइम्स बड़ा है. और एलिफेंट अगर एक पंजा मार दे तो लॉयन मर सकता है. लेकिन एलिफेंट को देखते ही लॉयन के दिमाग में एक ही चीज आती है, लंच. आई कैन ईट दिस, मैं इसको खा सकता हूं. और दूसरी दिशा में एलिफेंट ने जैसे लॉयन को देखा, उसके दिमाग में आया, ईटर, साला खाएगा, उससे भारी है, उससे ताकतवर है, उससे बड़ा है, बस उसको लगता है कि ये खा जाएगा. और लॉयन जब एलिफेंट को देख के सोचता है लंच, तो वो उसी तरीके से एक्ट करता है. और एलिफेंट उससे घबराता है. मैं बताना चाहता हूं सर, आर्मी ऑफ शीप लेड बाय लायन विल बीट द आर्मी ऑफ लायन लेड बाय शीप, है ना? भेड़ों की फौज को अगर शेर लीड करे तो वो उस फौज को हरा सकती है जिसको भेड़ लीड कर रही है, लेकिन फौज शेरों की है. इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड्स. हाथी ताकतवर है, भारी है, एक पंजा मारे लॉयन को मार सकता है, लेकिन उसकी खोपड़ी में लॉयन को देख के आता एक ही है, ईटर, आया, मारेगा, खाएगा. और लॉयन की खोपड़ी में आता है, मेरा लंच है. इट्स ऑल अबाउट बिलीव सिस्टम. उसको बिलीव है अपने ऊपर कि मैं उसको मार दूंगा.
जबकि ताकत में कम है, अकल में कम है, भारीपन में कम है, हर चीज में तो, लेकिन फिर भी भारी पड़ता है। राजा वही है, बिकॉज ऑफ बिलीव सिस्टम। बिलीव सिस्टम एटीट्यूड पैदा करता है सर। आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कितने ही बढ़िया परिवार से क्यों ना आए हो, कितना ही लिस्ट क्यों ना हो आपका, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हो, आपका अपलाइन शानदार हो, आपके पास दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट हो, आप फेल हो जाएंगे अगर आपका बिलीव सिस्टम वीक है तो। आपका बिलीव सिस्टम वीक है तो आप फेल हो जाते हैं। और आपके पास कुछ सुख सुविधा नहीं है, नो सेमिनार, नो ट्रेनिंग्स, नो प्रोडक्ट्स, नॉट ए गुड कंपनी, आप साला दूर जंगल में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका बिलीव सिस्टम अच्छा है, उससे एटीट्यूड अच्छा होता है, आप काम कर जाते हैं। इट्स सिंपल फिलॉसफी। नेचर बहुत कुछ सिखाती है। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं। बिफोर 1964 इट वॉज अ मिथ कि कोई भी आदमी एक मील की यात्रा चार मिनट से पहले में नहीं कर सकता। 1964 से पहले ही बात जन जागरण में जाहिर थी कि एक आदमी प्रैक्टिकली शारीरिक इतना ताकतवर नहीं है कि वो एक मील को चार मिनट से कम में कन्वर्ट। 1954 से पहले हजारों लोग भागे, नहीं कर सका कोई। कोई चार मिनट 10 सेकंड लेता था, कोई चार मिनट 15 सेकंड लेता था, कोई चार मिनट 30 सेकंड लेता था। 1954 में साला रॉजर बेनेस्टर निकल के आया और 3 मिनट 59 सेकंड में और 6 मिलीसेकंड में उसने एक मील की यात्रा कंप्लीट करी। उसको बिलीव था कि मैं कर दूंगा, बाकी लोगों को लगता था नहीं हो सकता। मजे की बात तो यह है कि 1964 में जब रॉजर बेनेस्टर ने किया, उससे पहले किसी ने नहीं किया, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 29 जून 2019 को, मेरे जानकारी के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो एक मील की यात्रा 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर चुके होंगे। इवन स्कूल गोइंग किड्स, स्कूल में जाने वाले बच्चे कर गए, क्योंकि 1964 से पहले जब लोग ट्रैक पे दौड़ते थे तो उनके दिमाग में रहता था आज तक नहीं हुआ आज भी नहीं होगा। हेलो, 1964 के बाद लव जो ट्रैक पे दौड़े तो लोगों को लगा था साला रॉजर बेनेस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बिलीव सिस्टम, और उस बिलीव सिस्टम के हिसाब से वो एक्ट करते हैं, और बिलीव सिस्टम से एटीट्यूड पैदा हुआ और खेल चेंज हो गया। मैं बार बार उदाहरण देता हूं सर, 2011 से पहले किसी ने वनडे में डबल सेंचुरी नहीं लगाया था। बिफोर 2011 नोबडी स्कोर 200 इन वनडे इंटरनेशनल। सचिन तेंदुलकर केम और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने 200 किया। हेलो, याद है? उससे पहले साला कोई 200 करता था? कोई नहीं करता था। साला टीम 200 कर जाए तो बल्ले बल्ले भाई। अगर वनडे में कोई टीम 200 कर जाती थी उस जमाने में तो लगता था आहा क्या खेले हैं ये लोग पे। और कोई 250 कर जाए जीते जीते, और 300 कर जाए अरे पहाड़ बना दिया पहाड़, किसी से भी गेंदबाजी करा लो अब तो। क्योंकि वनडे में 100 लगता था, यही बहुत था यार। और 2011 में सचिन तेंदुलकर ने जब डबल सेंचुरी बनाया तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2962 वनडे हो चुके थे उससे पहले, 2962 वनडे इंटरनेशनल। क्योंकि बिलीफ ही नहीं था ना कि कोई वनडे में 200 मार सकता है, और ये 5 फुट 5 इंच का आदमी 200 मार गया। क्या जानते हैं चेंज हुआ 2011 के बाद? बिलीफ सिस्टम, और उस बिलीफ सिस्टम से एक्टिविटी चेंज हुई, एटीट्यूड बदल गया लीडर्स का, और उन प्लेयर्स का एटीट्यूड बदल गया। और उसके बाद सिर्फ 180 वनडे के गैप में सहवाग ने उसको ब्रेक कर दिया। सहवाग ने दोहरा शतक मार दिया, रोहित शर्मा 3 बार मारा, मार्टिन गुप्तिल मारा, क्रिस गेल मारा, दोहरे शतक की लाइन लगी 2011 के बाद। क्योंकि 2011 के बाद जब बल्लेबाज क्रिस पोतर था, उसकी खोपड़ी में तेंदुलकर का दोहरा शतक था, उसको लगता था सारा ये मार सकता है तो अपन भी मार सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट बिलीव सिस्टम।